किया। तो अभी हम देखते हैं बैटरी सर्किट, कि जो हमारा कंट्रोल सर्किट है, बैटरी की सप्लाई कहां कहां और कैसे कैसे जाती है और बैटरी को चार्जिंग की क्या व्यवस्था है, तो वो पूरा का पूरा बैटरी सर्किट के अंदर आएगा। बैटरी सर्किट देखें आप, तो ये बैटरियां लगी हुई है, कितनी बैटरी है अपने पास, कितने वोल्टेज की, 110 वोल्ट की, वेरी गुड। तो ये एक बैटरी का पॉजिटिव सिरा रहेगा और एक निगेटिव रहेगा, ऐसे ही अपने आता है बैटरी नाइट स्विच के ऊपर, एक पॉजिटिव आता है और एक निगेटिव आता है। उसके बाद देखें आप, ये HBA लगा हुआ है, जो ऑन करेंगे तो पॉजिटिव सप्लाई पॉजिटिव में और निगेटिव की सप्लाई निगेटिव वायर में आना शुरू हो जाएगी। वहां नाइट स्विच होता था, यहां HBA बैटरी का स्विच, दो पोजीशन, कौन कौन सी, जीरो और वन। जोर से बोलो, ठीक है, थोड़ा जोर से बोलिए तो इसमें रिकॉर्ड होता रहेगा बराबर, आपकी भी आवाज आएगी। उसके साथ ही साथ देखें आप, HBA से पहले यहां एक फ्यूज दिख रहा है, कल आपको बताया था कि CCBA तो होता ही है, उसके अलावा एक एडिशनल CCBA फ्यूज भी लगा दिया, ये नीचे ही लगा हुआ है बैटरी बॉक्स में। CCBA जो फ्यूज है वो फ्यूज पैनल पर है, लेकिन जो एडिशनल CCBA है ये बैटरी बॉक्स पे ही लगा हुआ है। कितने एम्पियर का था ये, वेरी गुड, 35 एम्पियर का फ्यूज रहता है। तो बैटरी की सप्लाई जब हमें चाहिए, इनिशियली हम बैटरी की सप्लाई से ही काम करते हैं, MCPA चलाना, पेंटो रेज करना, डीजे क्लोज करवाना, ये सब कैसे होता है, बैटरी की सप्लाई से होता है। तो बैटरी की सप्लाई अगर हमें लेना है तो ये एडिशनल CCBA फ्यूज बराबर होना चाहिए। उसके बाद हमने HBA को ऑन कर दिया, तो ये देखें बैटरी की सप्लाई आगे आना शुरू हो, ठीक है। इसी बैटरी की सप्लाई के ऊपर HBA ऑन करने के बाद आप देखें ये ZUBA लगा और ये बैटरी वोल्टमीटर लगा हुआ। अगर हमें बैटरी का वोल्टेज चेक करना है तो बैटरीज के अक्रॉस ये वोल्टमीटर लगाकर रखा गया है। हमने HBA ऑन कर लिया, पॉजिटिव इधर से आ गया, निगेटिव इधर से आ गया। अब हम यदि ZUBA को क्लोज कर दें तो वोल्टमीटर सर्विस में आ जाएगा और बैटरी का वोल्टेज हमें पता चल जाएगा, दिखने लग जाएगा। कितना होना चाहिए मिनिमम, 85 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ZUBA छोड़ दिया, काम खत्म हो गया। इसी तरीके से फ्यूज टेस्टिंग के लिए जो हमने आपको बताया था ECC और ये LECC जो लैंप लगा हुआ है, ये देखें आप बैटरी पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में छूटा हुआ खुला है, इसमें सॉकेट है, ये जिसमें आपका फ्यूज बराबर बैठता है जाके, फ्यूज की साइज का है। आप फ्यूज को इंसुलेटेड पोर्शन, पोर्सलिन वाला पोर्शन है, वहां से पकड़कर इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में लगा देते हैं तो कंटिन्यूटी बन जाती है अगर फ्यूज ठीक है तो, और जैसे कंटिन्यूटी बनेगी तो ये बल्ब जल जाएगा, जल गया तो फ्यूज बराबर है, और अगर फ्यूज मेल्ट हुआ है तो कंटिन्यूटी बनेगी क्या, बल्ब नहीं चलेगा, पता चल जाता है। करना क्या उसके लिए, सिर्फ HBAR होना चाहिए, HBAR है तो बैटरी की सप्लाई यहां तक है, निगेटिव का सर्किट यहां से पूरा हो रहा है, यहां फ्यूज लगाया हमने, कंटिन्यूटी बनी, ये लैंप जला, नहीं बनी तो नहीं जला, लैंप जल गया कंटिन्यूटी बन गई, फ्यूज बराबर है, नहीं जला तो फ्यूज मेल्ट हो चुका है। तो यहां तक की बात समझ में आई, इधर की बैटरी वोल्टेज चेक करना और फ्यूज को टेस्ट करना। उसके बाद आप देखेंगे बैटरी की सप्लाई सर्किट में जाने के लिए ये CCBA मेन फ्यूज जो फ्यूज बोर्ड पर लगा हुआ है, ये भी कितने एम्पियर का है, 35 एम्पियर, वेरी गुड। फिर बैटरी एमिटर है और उसके बाद ये सप्लाई कॉमन वायर के अंदर आ गई। ये CCBA फ्यूज से पहले एक देखिए आप सप्लाई गई हुई है और ये किस फ्यूज के थ्रू है, CCLS फ्यूज के थ्रू, वायलेट लैंप सर्किट का सप्लाई है वो CCBA फ्यूज के पहले से है। यदि CCBA फ्यूज मेल्ट भी रहेगा तो भी हमारे वायलेट लैंप सारे चलेंगे, कब चलते हैं, BLE अनलॉक करने के बाद, ठीक है। ये पायलट लैंप CCBA से पहले सप्लाई की है CCLS, अगर CCLS मेल्ट हो जाए तो पायलट लैंप नहीं जलेंगे। CCBA के बाद सप्लाई आप देखें CCLF1 मार्कर लाइट वाले, LF2 ये भी मार्कर लाइट वाला था, CCLC कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोल लाइट का था, CCPT पेंटो वाला फ्यूज है, CCDZ डीजे सर्किट का फ्यूज है और CCA ऑक्सिलरी सर्किट का फ्यूज है। ये सारे सर्किट्स जो कंट्रोल सर्किट है, जहां 110 वोल्ट सप्लाई जा रही है,
वो सारे फ्यूजेस के द्वारा सुरक्षित रखे गए, फ्यूज के थ्रू सुरक्षा प्रदान की गई। जैसा ये डीजल लोगों में क्या है, सब में सर्किट ब्रेकर लगाकर रखे हैं, यदि रेटेड करंट से ज्यादा करंट उस सर्किट में फ्लो हुई तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। लेकिन यहाँ सर्किट ब्रेकर नहीं है, यहाँ फ्यूजेस का इस्तेमाल किया गया। यदि किसी सर्किट में एक्सेस करंट फ्लो होगी, फ्यूज की रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो होगी तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और उस सर्किट को होने वाले नुकसान से बचा लेगा। ठीक है, इसी के साथ आप यहां देखेंगे जो CCBS से सप्लाई आ रही थी, फ्यूज CCBS से, उसके बाद लगा हुआ है ये MCPA। यानी अगर MCPA चलाना है हमें तो एडिशनल CCBA, CCBA दोनों फ्यूज बराबर होना चाहिए और HBA ऑन होना चाहिए। जब हमने HBA ऑन कर दिया, एडिशनल CCBA बराबर था, सप्लाई आई, CCBA फ्यूज बराबर है, यहां से आई और ये ZCPA के एक नंबर पे आकर रुक गए। अभी ZCPA ऑफ था, ये जीरो से लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था। जैसे ही हम इसे जीरो से एक पोजीशन पर रखेंगे तो सप्लाई कंटिन्यू हो जाएगी और MCPA को सप्लाई मिलने से MCPA काम करना शुरू कर देगा। इतने ही काम करते हो और MCPA चलेगा तो क्या होगा, इमरजेंसी रिजर्वायर में प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा जो उस पर लगे हुए गेज में हमें देखता है। देखा था गेज, देखा सभी, गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी भी बेबी कंप्रेसर या MCPA चलाने में किसी को कोई डाउट है? नहीं चलेगा तो हम किसी बिजली वाले को बुलाने जाएंगे क्या? अपने को मालूम है कैसे चलता है, HBA ऑन होना चाहिए, फ्यूज CCBA एडिशनल CCBA दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर हमारा ZUBA दबाने पर वोल्टमीटर बता रहा था तो एडिशनल CCBA तो बराबर ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पायलट लैंप जल गए यानी ये बराबर है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सिर्फ CCBA फिर चेक करना पड़ेगा कि CCBA गड़बड़ तो नहीं है, और CCBA अगर गड़बड़ है तो हम चेंज कर सकते हैं। 35 एम्पीयर का स्पेयर फ्यूज हमारे पास रहता है। उसके बाद ZCPA बराबर एक नंबर पर होना चाहिए, तो एक बार ऑपरेट करके देख लेंगे, हो सकता कांटेक्ट नहीं कर रहा हो, कर जाएगा तो चल जाएगी, चल गई तो प्रेशर बन गया, प्रेशर बन गया तो हमारा आगे का काम चालू हो जाएगा। वो अगले सर्किट में दिखाते हैं आपको कैसे हम पेंटो रेस करेंगे, कैसे क्या करेंगे, पेंटो उठाने का न्यूमेटिक सर्किट क्या है और इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, दोनों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ देखें, ये तो हो गया कंट्रोल सर्किट की सप्लाई वाली बात पूरी, बेबी कंप्रेसर को चलाने की बात हो गई। अभी इस कंट्रोल सर्किट की सुरक्षा के लिए हमने देखा था ये HOBA लगा था, होगा बैटरी अर्थ पार्ट स्विच फ्यूज बोर्ड पर ही लगा, नहीं लगा कल हमने देखा था, नहीं देखा था, आज आपने लोगों पर भी देखा, नाइट स्विच है, नाइट स्विच है ना, हमेशा ऑन रहता है। लेकिन यदि ऑक्सिलरी सर्किट में किसी इसकी कंट्रोल सर्किट में किसी खराबी की वजह से ये CCA फ्यूज बार को फ्यूज बार बार मेल्ट हो रहा है या इनमें से कोई भी दूसरा फ्यूज बार बार मेल्ट हो रहा, होल्ड नहीं हो रहा, तो हम एक बार देखते हैं सर्किट की जांच करते हैं, सर्किट में कोई खराबी मिली तो उसे सुधारेंगे। अगर सर्किट में कोई खराबी नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, इस HOBA को ऑफ करते हैं, ऑन से ऑफ पोजीशन पर रखेंगे। यहां देखो ऑन था तो ये जो सर्किट था ये सीधा HOBA के कांटेक्ट के थ्रू ग्राउंड था, लेकिन जब हम इसे ऑफ पर रखते हैं तो अर्थ के बीच में ग्राउंड के बीच में क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया HOBA। जब रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होती है तो करंट की मात्रा कम हो जाती है, तो जो फ्यूज बार बार मेल्ट हो रहा था वो मेल्ट होना बंद हो जाएगा, गाड़ी चल जाएगी। और गाड़ी चल जाती है तो हम ऑक्सिलरी सर्किट की बार बार जांच करते रहते हैं, क्योंकि अब फ्यूज मेल्ट नहीं होगा, जिस भी सर्किट में प्रॉब्लम होगी वो फिर गर्म होगा, वायर आग लगेगी, धुआं देगा, वो सारी दिक्कतें होंगी, तो वो काम अब हमें खुद करना पड़ता है। सेट से हम कभी होगा ऑफ करके गाड़ी नहीं निकालेंगे, ये सब ऑनलाइन की बातें हैं। सेट से हमें प्रॉपर रेडी करके गाड़ी देनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कहां से अर्थ फॉल्ट हो रहा, कहां से ग्राउंडिंग हो रही, क्यों फ्यूज मेल्ट हो रहा बार बार। होगा नॉर्मली ऑफ है या यानी नॉर्मल ऑन है, नॉर्मल ऑन है मतलब यानी खुले हवा में ऑन रहता है, दोनों ओर कांटेक्ट है, देखो ना हुआ ड्यूल कांटेक्ट वाला है ना, इधर लगा हुआ है तो ऑन है और इधर लग गया तो ऑफ हो गया,
जब ऑन रहता है तो इसके सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, डायरेक्ट ग्राउंड रहता है। मेरा कहना नहीं है सर, नाइट स्विच जैसे खुला हुआ है तो ऑन पोजीशन है या दोनों और क्लोज होता है वो नाइट स्विच? आपने देखा नहीं लोगों पर? नहीं, नाइट स्विच इधर भी क्लोज हो रहा है और इधर भी क्लोज हो रहा है। अच्छा अच्छा, वो दोनों और पॉइंट है उसमें, वो नहीं देखी, वो ध्यान नहीं देखी। उसकी जो स्टिक है सेंटर में है, अपना नाइट स्विच जैसा नहीं है। अपना नाइट स्विच तो अपन ने खोल दिया और दूसरी ओर लगा दिया। हाँ। इसी नाइट स्विच को आप सोचो कि नीचे पलटा दिया तो वहां भी पॉइंट है, ऐसा है वो। ठीक है, दोनों ओर पॉइंट है इसमें। तो नॉर्मल कोर्स में ऑन में रहता है तो यहाँ देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है सर्किट में, और जब ऑफ कर देते हैं तो आर एच ओ बी नाम का रेजिस्टेंस सर्विस में आ जाता है। अब जब रेजिस्टेंस के थ्रू सप्लाई जाएगी तो करंट की मात्रा कम हो जाती है, जो फ्यूज मेल्ट हो रहा था उस पर्टिकुलर करंट रेटिंग पे वो मेल्ट होना बंद हो जाता है। करंट कम करने के लिए जब रेजिस्टेंस के थ्रू सप्लाई भेजोगे तो करंट कम होगी कि नहीं होगी? तो ये इधर की कहानी हो गई। अब ये चार्जर वाली कहानी देखें, ये सीएचबी है, बैटरी चार्जर लगा हुआ है, आर्नो से सप्लाई लेता है कितनी 380 वोल्ट सिंगल फेज एसी, दो फेज, टू फेज आते हैं, यू और बी दो फेज आते हैं, टू फेज एसी लेता है 380 वोल्ट टू फेज एसी, और उस चार्जर के द्वारा इस टू फेज एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और कितने वोल्ट की डीसी बनाता है 110। इस आउटपुट सप्लाई के ऊपर लगी हुई है रिले QB61। जब चार्जर अपना आउटपुट देना शुरू कर देता है, आउटपुट मिलने लग जाता है, तो उस आउटपुट सप्लाई से रिले QB61 एनर्जाइज हो जाती है और इस रिले के एनर्जाइज होने से LSC HBA की बत्ती बंद हो जाती है। अब यदि किसी वजह से ये चार्जर आउटपुट देना बंद कर दे या इसका जो HCHBA स्विच है कोई एक से हटाकर जीरो पर डाल दे, आउटपुट देगा, काम करेगा नहीं करेगा? तो ऐसी स्थिति में जब चार्जर आउटपुट नहीं देगा तो रिले QB61 डीइनर्जाइज पड़ी रहेगी, और जब तक ये डीइनर्जाइज रहती है तब तक नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक के थ्रू CHBA की बत्ती LSCHBA जलती रहती है। इसीलिए जब आप बंद लोगों में जैसे BLE अनलॉक करते हो तो LSCHBA की बत्ती जलती है, क्योंकि उस समय कोई भी आउटपुट सप्लाई नहीं होती चार्जर से, UV61 रिले डीइनर्जाइज पड़ी रहती। तो ये बैटरी सर्किट है, चाहे तो बना ले। बना ले आप लोग इसको, काम आएगा।